हमारा सबक कहाँ तक हुआ था? नारुल्लाहिल मुकदा अल्लती तत्तलिउ, अल्लती, अल्लती की मोनस आती है अल्लती, नारुल्लाह वो आग, अल्मुकदा जिसे जो जली जलाया गया है, जिसे जलती हुई आग है, अल्लती ये वो आग है, तत्तलिउ तत्तलिउ एक लफ्ज़ है अरबी में, एक मज़दर आता है, एक नया बाब बता रहा हूँ आपको, इफ्तियाल, ये मज़दर आता है इफ्तियाल के वज़न पर, जैसे इक्तिसाब, लफ्ज़ सुना है ना इक्तिसाब, ओ भाई ये बंद ना हो जाए कहीं, और बताएं इससे मिलते जुलते, जल्दी जल्दी बोलें, शाबाश बोलो बोलो शाबाश, इनकिशाफ नहीं, इनकिशाफ भी मिलता जुलता है लेकिन इनकिशाफ इसमें दाखिल नहीं, एतदाल, एहतिसाब जी, इंतकाम नून आ रहा है उसमें, इंतकाम भी है इसी में, इफ्तियाल ठीक है सही, इंतकाम, इंतिशार और इक्तदार, इफ्तिखार, ये सब मजदर हैं, एक मखसूस वजन है इनका, इंतजार और वगैरह वगैरह, एहतशाम, भाई एहतशाम क्या हाल है, खैरियत से, एहतशाम भी इसी से, इख्तियार, बिल्कुल, ये जितने मसाजिद हैं ना, इफ्तियाल, इक्तिसाब, एतदाल, इनका माजी आता है इक्तसबा, यानी इफ्ताला, इनका माजी क्या आता है, इफ्ताला, ये मैं मिटा दूं, ये इतने सारे लिख लिए, माजी आएगा इफ्ताला और मुजारे आएगा यफ्तईलू, यफ्तईलू, माजी इफ्ताला, मुजारे यफ्तईलू, यफ्तईलू, यफ्तईलानी, यफ्तईलू ना, तफ्तईलू, या बुदू की तरह पूरी चलेगी गर्दान इसकी, और ये जरबा की तरह इफ्ताला, इफ्ताला, इफ्तालू, इफ्तालत, इफ्तालता, इफ्ताला इला आखिरी, सही है, पूरी रटने की जरूरत नहीं है, इक्तसबा, सही है, इसी से मिलता जुलता है इत्तिला, इत बोलो भाई, तिला, इफ्तियाल, इसके हरूफ असलियां हैं तौ, लाम और ऐन, तला, तुलू इसी से निकला है, तुलू ए शम्स, सूरज का निकलना, समझ में आ रही है बात, तला, एक ना सुनी होगी, तला अल बद्रु अलैना, तला यानी बदर, चौदहवीं का चांद हम पर तुलू हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आ रहे थे, जैसे ही पहाड़ के किनारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हुए हैं, तो बच्चियों ने वो गीत गाना शुरू किए, तला अल बद्रु अलैना, चौदहवीं का चांद हम पर तुलू हो रहा है, निकल रहा है पहाड़ के ओट से, मिन सनीयतिल वदा, तो ये बाब इफ्तियाल में जब ये जाता है ना, यानी इसमें जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इत्तिला, आ रही है बात समझ में, बाब इफ्तियाल, इसका माना होता है इत्तिला, कहते ना इत्तिला नर्ज है, आपको इत्तिला दी जा रही है, यानी आपको मुत्तले किया जा रहा है, किसी चीज़ से बाखबर होना, किसी चीज़ को झांकना, किसी शय की हकीकत तक पहुंच जाना, इसको इत्तिला कहते हैं, असल में कहते क्या है, इत्तिला, लेकिन ये ता और ता एक जैसे हैं, तो अब ये क्या आपको इत्तिला दी जाती है, वो कहेगा ना ही दें, इतनी मुश्किल से दे रहे हैं तो देने की जरूरत नहीं है, इत्तिला के बगैर ही ठीक है हम, तो वो एक कारी साहब गए ना, तजवीज से कुरान पढ़ा हुआ था उन्होंने, तो हर लफ्ज़ तजवीज़ से कहते थे, तो वो जाके कहने लगे भाई शीरा है,
मिठाई की दुकान पे गए, कहने लगे शीरा, शीरा जो होता है ना चीनी का, कहने शीरा है शीरा। उन्होंने कहा है मगर इतना गाढ़ा नहीं है, नॉर्मल शीरा जिसे होता है ना वो है, शीरा नहीं है। तो अब आप किसी को कहें ये तो तिला दी जा रही है, क्या अगर रहने दें ऐसे ही ठीक हूं मैं। तो अरब ने क्या किया, मुश्किल लफ्ज था, ता को तौ कर दिया और दोनों को आपस में मुदगम कर दिया, इत्तिला। पढ़ा क्या जाता है ये, इत्तिला। कितने इत्तिलान अर्ज है, आप तमाम हजरात को मुत्तले किया जाता है, मुत्तले इसका इसमें फाइल है। कैसे, माजी आता है ये तो तलाआ, जिसको पढ़ते क्या है इत्तलाआ, और मुजारे आएगा ये तो तलीउ, ये तो तलीउ। अब ये तो तलीउ भी एक टेंशन है कि नहीं है, तो बना क्या दिया इसको, यत तलीउ। ये दो, ये तशदीद बता रही है, ये एक तो नहीं है बल्कि दो तो हैं। एक तो ता थी, एक तो असल में ता थी जिसको तो बना दिया और तो को तो में एडजस्ट कर दिया, घुसड़ दिया। यत तलीउ मुजारे से इसमें फाइल कैसे बनाते हैं, यत तलीउ का माना झांकता है या जा पहुंचता है, इसका मैं फाइल कैसे बनेगा, आसान है, मुत्तलियन। तो मुत्तले, हम आपको मुत्तले कर रहे हैं, यानी आपको ऐसा बना रहे हैं कि आप उसकी हकीकत तक पहुंच जाएं, बाखबर हो जाएं आप। तो तत्तलियु, यत्तलियु, तत्तलियु, तत्तलियु वाहिदा मोअन्नस गायबा, ताबुदू की तरह हो जाएगा ना, इबादत करती है वो एक औरत। अब ये मसला हल हो गया, अल्लती तत्तलियु, ये वो आग है जो पहुंच जाएगी, मुत्तले हो जाएगी, झांकेगी कहां, अलल अफ़इदा, लोगों के दिलों पर। तो तलीउ का माना ये आग जाएगी, पहुंचेगी कहां तक, अलल, अला का माना पर, अफ़इदा, अफ़इदा फुआद की जमा है। फुआद, फुआद दिल को कहते हैं, फुआद किसे कहते हैं बोलो भाई, दिल, दिल पता है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? एक आदमी कहता है कि छोड़ो, बाद लोगों को ही नहीं पता होता दिल कहाँ होता है, कह रहे मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो फुआद किसे कहते हैं, दिल, दिल का जो अंदर का हिस्सा है ना बिल्कुल, उसे फुआद कहते हैं। कल्ब, कल्ब तो पूरे दिल को कहते हैं, कल्ब अरबी में, कल्ब किसे कहते हैं, पूरा दिल जो धड़कता है, और फुआद उसके अंदर का हिस्सा। तो फुआद दिल, अफ़ईदा इसकी जमा आती है, अफ़ईलतुन के वजन पर, फुआद की जमा आती है अफ़ईदतुन। अल लग गया, अल्लती, ये वो आग है, तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, जो घुस जाएगी दिलों के अंदर, पहुंच जाएगी दिलों के अंदर, मुत्तले होगी दिलों पर। क्योंकि दिल का जिक्र इसलिए किया है कि आग पहले बाहर के जिस्म को जलाती है और आहिस्ता आहिस्ता दिल तक पहुंचती है। जब दिल तक पहुंचती है तो दिल में तकलीफ इंसान को बहुत ज़्यादा महसूस होती है। एक हदीस में आता है कि, रिवायत में आता है कि जब ये आग दिल तक पहुंचेगी और जला के भस्म कर देगी इंसान को, फिर अल्लाह ताला उसको नई खाल देंगे, नया जिस्म देंगे, फिर आग दोबारा जलाना शुरू करेगी। ज़ाहरी जिस्म को जलाते जलाते कहाँ पहुँचेगी, दिल तक। और उलमा ने ये भी बयान किया, दिल का जिक्र अल्लाह ने इसलिए किया दिलों को जलाएगी, क्योंकि ये जो पहले दो बीमारियाँ जिक्र की है ना, लोगों में फसाद डालना और पैसों की मोहब्बत, कंजूसी, ये दोनों दिल की बीमारियां हैं। दिल में शौक होता है इस किस्म की उल्टी हरकतों का। तो अल्लाह फरमाते हैं इसी दिल को अल्लाह जलाएंगे कयामत के दिन। अल्लाह ताला हम सबको इस आग से महफूज रखे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, ये जो सूरत है ना, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, ये विकैप्स के लिहाज से थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा कुरान ऐसा नहीं है, बाकी बहुत आसान है, आपके लिहाज से ये थोड़ी मुश्किल सूरत है, ठीक है ना। इसमें नए नए अल्फाज बहुत आ रहे हैं। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, इन्नहा, बेशक ये आग, अलैहिम, इन जहन्नमियों पर जो लोग इस आग में जाएंगे, इन्नहा अलैहिम मुसदा। अब ये भी नया लफ्ज आ गया, मैंने बताया जरा विकैप्स इसमें नई नई आ रही हैं। मुसदा,
मुसदा मुकरमतुन की तरह, मुकदतुन की तरह, मैंने बताया था ना अकरमा युकरिमु, तो असदा युसिदु, इसका माना होता है बंद कर देना, असदा। सदा इसका माना क्या है? अकरमा की तरह बंद कर देना, किसी को किसी चीज में हम पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इसका मुजारे आएगा यू सीदू, यू क्रीमू की तरह। इसमें फाइल आएगा मु सीदुन, है कि नहीं? इसमें फाइल क्या आएगा? मु सीदुन, और इसमें मफरूल मु सौदुन। मुसदुन इसमें मफूल, और इसमें मफूल की मोहन्नस आएगी मुसदतुन। ठीक है, मुसदतुन, क्योंकि आग मोहन्नस है ना, इसलिए मुसदतुन बंद की जाने वाली, वो चीज जिसको बंद कर दिया गया हो। तो अल्लाह फरमा रहे इन नहा, बेशक ही आग अलैहिम, इनके ऊपर मुसदतुन बंद कर दी जाएगी, यानी गोया पैक कर दिया जाएगा आग के अंदर कि निकलने का रास्ता ना हो। एक आग खुली होती है, एक भट्टी भट्टी होती है ना, उसकी आग बंद होती है, बंद की भी आग भट्टी की आग जैसे होती है, कि भट्टी में आप जब कोई चीज़ डालते हैं तो उसमें चीज़ के निकलने का रास्ता नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से पनाह में रखे, यानी जहन्नम गोया भट्टी की तरह है कि ये आग इनके ऊपर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बंद कर दी जाएगी। इन्ना अलैहिम मुसदा फी आमदिन मुमद्ददा, ये आखिरी लफ्ज रह गया है। सो क्या हो गया? आमद सुतून को कहते हैं, हदीस में आता है सलातु इमादुद्दीन, इमाद आमद ये सब सुतून को, नमाज दीन का सुतून है। उमूद परपेंडिकुलर, आपने उसमें पढ़ा होगा ना ज्योमेट्री में, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और तीसरा क्या होता है? बेस। तो जो परपेंडिकुलर है ना उमूद, उसको अगर उर्दू में किसी ने रियाजी पढ़ी है तो उसको उमूद कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को वतर कहते हैं, और कादा उसको बेस कहते हैं। तो उमूद हर खड़ी हुई चीज़ को क्या कहते हैं? उमूद, आमद, ये उसी से निकला है। फी आमदिन ये होगी सुतूनों में, मुमद्ददा, मद अरबी में कहते हैं मददा खींचना, मद इसी से निकला है, इस पे मद है इसको जरा खींचो भाई, कहते हैं ना इस अलिफ पे मद है इसको खींचा जाएगा, इस अलिफ पे मद नहीं है इसको ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। तो मददा का माना खींचना, मददा जिसको मद्दा पढ़ते हैं हम। और ये बाबे तफ़ील में आता है तमदीद तस्बीह की तरह, इसका माना भी क्या है? खींचना, लंबा करना, किसी शय को खींच के लंबा करना, बाबे तफ़ील। माजी आएगा इसका, बताइए बाबे तफ़ील का माजी क्या आता है? तस्बीह से सब्बाहा, सब्बाहा, तो इसका माजी आएगा मद्दादा। ठीक है, मुजारे आता है युसब्बिहु, इसका आएगा युमद्दीदु। हम स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच रहे हैं, लाइव सेशन में ये सब चीजें पूछूंगा मैं, युमत दीदू। नहीं आ रही बात समझ में? इसमें फाइल युमत दीदू से मुमत दीदुन, खींचने वाला, किसी शय को लंबा करने वाला। मुमत दीदुन का मतलब समझ में आया? किसी भी शय को, क्यों हो रहा है शोर इसमें इतना? किसी भी शय को खींचकर, बोलो भाई, लंबा करने वाला। इसमें मफूल क्या आएगा? जिस शय को खींच के लंबा किया जाए उसको क्या कहते हैं? मुमद्ददुन। भाई क्या हो गया? मुमद्ददुन, फर्क नहीं, मुसब्बिह और मुसब्बाह का फर्क जहन में रखे ना, तो मुमद्दिद और मुमद्दद का फर्क भी आ जाएगा। मुमद्दिदुन मुमद्ददुन, मुमद्ददुन वो चीज जिसे खींच कर लंबा किया गया हो,
और मोनस आएगी मुमद्ददतुन, वो चीज मोनस चीज जिसे खींच के लंबा किया गया हो। तो अमद का लफ्ज भी अरबी में मोनस है। क्या है? मोनस। फी अमदिन, ऐसे सुतून में, मुमद्ददतुन, जो लंबे लंबे सुतून होंगे जिनको खूब लंबा किया हो गया। क्या मतलब? ये आग इन पर बंद होगी लंबे लंबे सुतूनों में। क्या मतलब? या ये लोग होंगे लंबे लंबे सुतूनों के अंदर बंद, ये आग बंद कर दी जाएगी इनके ऊपर और लंबे लंबे सुतूनों में। भट्टी होती है ना, चारों तरफ से जो दीवारें होती हैं उनको सुतून से ताबीर किया है। बड़े बड़े सुतून होंगे जिन सुतूनों के अंदर ये बंद होंगे इस आग में, और ये आग भी इन पर बंद कर दी जाएगी। फी आमदिन मुमद्ददा। तो अल्लाह ताला ने ये जहन्नम की होलनाकी बयान की है ऐसे बदबख लोगों के लिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये इसके लिहाज से तो ये कंप्लीट हो गया हमारी, ये मैं इसकी थोड़ी सी तफसीर बता देता हूँ। वैलुल्लि कुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, तबाही बर्बादी उन लोगों के लिए जो ऐब जुई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुरान हमेशा दो इंतहाओं का जिक्र करता है, या तो नाकाम तरीन लोग या कामयाब तरीन लोग, दरमियान के लोगों को अपने हाल पे छोड़ देता है कि तुम में अगर वो वाली ज़्यादा हैं तो उतने कामयाब, और ये वाली ज़्यादा हैं तो इतने नाकाम, कुछ दरमियान में होते हैं, कुछ इधर के कुछ उधर के। तो असल सज़ा अल्लाह ने ये बयान की है गैर मुस्लिमों के लिए, जिनकी असल सिफात ये होती हैं, या मुनाफिक जिनकी असल सिफात ये होती हैं, मैंने बताया। लेकिन हर गैर मुस्लिम में ये होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें कुफर का खासा हैं, कुफर इन चीज़ों की तरफ ले जाता है इंसान को। और बहुत से लोग जो मुसलमान होते हैं उनमें भी ये बुराइयाँ होती हैं, क्योंकि वो ईमान में मज़बूत नहीं होते, पुख्ता नहीं होते, दुनिया की मोहब्बत है। मुसलमान सिर्फ इसलिए कि शनाख्ती कार्ड में इस्लाम लिखा हुआ है, वालदेन मुसलमान थे, उनके घराने में पैदा हो गए, मगर इस्लाम वाली सिफात नहीं होती उनके अंदर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं वैलुल्लि कुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, जो लोग भी दूसरों की ऐब जुई करते हैं, ताना करते हैं, मोहब्बतों में फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तबाही है, बर्बादी है। अल्लदी जमा मालं वअद्ददा, इनकी दूसरी खराबी क्या है? ये माल को जमा करते हैं और गिनते रहते हैं। इससे पता चलता है कि माल को जमा करना भी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है, उसे गिनते रहना भी पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखें, इससे ज़रूरत के लिए माल को जमा करना ये इसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल का एडवांस राशन पानी अपनी अजवाज को दे दिया करते थे, एक साल का। इसलिए उलमा ने लिखा है कि एक अगले एक साल तक के लिए पैसा अकाउंट में रखना, कि अगर आज मेरी जॉब छूट गई, आज मैं मेरा कारोबार ठप हो गया, तो मैं एक साल तक कम से कम इज्जत के साथ खा सकूं। इतना पैसा बैंक में रखना ये जायज़ है, तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। बात आ रही है समझ में? भाई आप कमा रहे हैं, आपने इतना बचा लिया कि अगर आज आपके साथ कोई हादसा होता है कि आज आपका कारोबार डूब गया या कुछ हो गया, तो आपको पता है भाई एक साल की, एक साल तक जॉब तलाश करता रहूंगा और एक साल तक इतना है। एक साल से ज्यादा रखना ये तवक्कुल के खिलाफ है, क्योंकि फिर ज्यादा की तो कोई हद नहीं है ना। ज्यादा का मतलब तो ये कि आप फिर 100 साल का भी रख सकते हैं, फिर 100 साल का क्या आप अपने बच्चों का भी सोच सकते हैं, फिर बच्चों का क्या आप ये भी सोच सकते हैं बच्चों के बच्चे, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे गरीब मर जाएं तो अपने बच्चों को ना खिला सकें। तो ये जो इंतहा है ना, इसकी कोई हद नहीं होती। तो मुसलमान चूंकि अल्लाह पे यकीन रखता है, वो कहते हैं जो मैंने करने का है वो मुझे करने दो, बाकी किसके जिम्मे छोड़ दो, अल्लाह के, जिस अल्लाह ने मुझे खिलाया वो मेरे बच्चों को भी खिला देगा। समझ रहे हो बात को? ये तो है सयाल रकम के बारे में कायदा और जाब्ता। सयाल रकम समझते हो? कैश रकम, सोना चांदी और जो अकाउंट में पैसे होते हैं उनके बारे में मैंने आपको कायदा और जाब्ता बताया। और एक होता है जायदाद। जायदाद के बारे में हदीस में आता है, किसी के पास अगर जायदाद पहले से मौजूद है तो बिला जरूरत उसे बेचे नहीं। नहीं आई बात समझ में? और अगर नहीं है तो खरीदे नहीं। नहीं आ रही बात? क्या मतलब? आपकी अगर जरूरत पूरी हो रही है, आपके पास रिहाइश के लिए घर है, मुनासिब घर है, तो खाम खामे प्लॉटिंग में पैसा मत लगाओ, क्योंकि इससे दुनिया में दिल अटकेगा आपका।
खा पी के खत्म करो, और अगर है पहले से मौजूद तो उसे बेचो नहीं, क्योंकि एक चीज आपके पास मौजूद है, बेच बाच के उड़ा के खा जाओगे, खत्म हो जाएगी। एतदाल का रास्ता यही है तो बिला वजह उड़ाने की जरूरत नहीं है उसको, नहीं है तो बिला वजह खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदो तो कोई रीजन होनी चाहिए खरीदने की। तो ये एक एतदाल का रास्ता शरीयत ने दिया है हमें। इसी तरह अगला लफ्ज अल्लाह ने फरमाया अददहू, उसे गिनता है बैठ के, तो गिनना भी वो गिनना मना है जो दुनिया की मोहब्बत की वजह से हो। होता है ना, बच्चे भी गिनते रहते हैं, मेरे पास इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, आप भी हर वक्त मेरे अकाउंट में इतने हो गए, इतने रह गए, डबल हो गए, ये हो गया, खुशी से फूला नहीं जा रहा, इसको ये नहीं पता कि इसकी ज़िंदगी गिन दिन जो है रोज़ाना कम होते चले जा रहे हैं। आपके पास जितने पैसे हैं अभी खा के लगा लिए अपने ऊपर तो मज़ा आ जाएगा, नेमतें हासिल हो जाएंगी, वरना मर गए तो ख़त्म सारा, वो तो विरासत में जाएगा। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, विरासत में गया तो मेरी औलाद ही में जाएगा ना, तो याद रखो अगर इनको बता दिया जाए ना आप कल मर जाएंगे, फिर कोई खुश नहीं होगा कि चलो विरासत में मेरी औलाद में जा रहा है। फिर सारे ये कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी किसी मदरसे में दे दो, फला गरीब को खिला दो, ये कर दो, खुद भी खा लो, मैं तो कल मर जाऊंगा। तो ये जो कहते हैं ना औलाद के लिए छोड़ रहा हूँ, ये इसलिए नहीं, ये असल मकसद क्या होता है, अपने लिए है, औलाद का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इनको बता दिया जाए कि आप कल मर जाएंगे 3:05 पे, फिर औलाद का इतना, फिर जो छोड़ेगा वो वाकई औलाद के लिए होगा, फिर जो होगा ना कि ये वाली दुकान मेरे बेटे के नाम, ये फिर वो सोच समझ के कि वाकई मेरे बच्चों को इतनी ज़रूरत है। तो वो गिनना जो दुनिया की मोहब्बत की वजह से होता है वो गिनना हराम है, और एक गिनना वो होता है जो इसराफ और तबजीर से बचने के लिए होता है, बचने के लिए, इसलिए कि आपकी तनख्वाह महदूद है और आपको पता है कि अगर मैं रोज़ाना मैकडोनल्ड से अपनी बेगम को खिलाता रहूं और रोज़ाना मैं बच्चों को शॉपिंग कराता रहूं तो 15 दिन के बाद कशकोल लेके घूम रहूंगा, और आपका दिल अल्लाह ने दिया बड़ा है आपको, आपका दिल चाहता है घर वालों पे खूब खर्च करें, तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है, भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, रोज़ के हिसाब से मैं इतनी सखावत कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा सखावत मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जो गिनना पड़ेगा, और आपने माइक्रोसॉफ्ट या Office 7 अपने लैपटॉप में डाल दिया कि रोज़ाना अंडे पराठे दही दूध टमाटर जो आ रहे हैं उनका आपने हिसाब लिख लिया कि भाई मेरी इनकम इतनी है और मेरे खर्चे इतने हैं, ताकि आखिर में देख लूं कि भाई ये हिसाब किताब जा किधर को रहा है, इतनी तनख्वाह है मेरी फिर भी महीने के आखिर में भीख मांग रहा होता हूँ, तो कोई तो कहीं तो फॉल्ट होगा ना। पता चला ये तो सारा अंडों में निकल जाता है, महीने के बाद आपको क्या पता चला कि भाई बच्चों की फीसें जा नहीं रही हैं, अंडे छः छः खाए जा रहे हैं रोज़ाना घर में, तो भाई फीसें पहले अंडों का मुतबादिल मौजूद है, खाली खाली पराठे पे गुजारा कर लो, तालीम को तरजीह देता है ना इंसान। तो ये जो हिसाबो किताब किया जा रहा है ये दुनिया की मोहब्बत की वजह से नहीं कि नोटों से मोहब्बत है, रोजाना कायदे आजम की जियारत को दिल चाहता है कि मैं रोजाना देखूं कायदे आजम को, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि इसराफ से, इसराफ कहते हैं अपनी आमदन से जायद खर्च करना, अल्लाह ने इस अमल को हराम करार दिया है। कुरान में है ना कि इसराफ मत करो, कुलू व शरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ मत। इसराफ किसे कहते हैं? अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना। तो हिसाबो किताब को मैनेज करना पड़ता है दो वजह से, नंबर एक कि मेरी आमदन से ज्यादा मेरे खर्चे ना हो जाएं, एक तो ये, नंबर दो जहां ज्यादा खर्च होना चाहिए वहां ज्यादा खर्चो, जहां ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए वहां ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि आमदन महदूद है। अब अगर हिसाब किताब रखता है इंसान तो महीने के बाद उसे या साल के बाद पता चल जाता है कि भाई मेरा सबसे ज्यादा खर्चा तो दोस्तों पे हो रहा है, दावतों पे हो रहा है, चाय गुटके पे हो रहा है। साल के बाद अंदाजा लगा लेगा ना, भाई गुटके पे 4 लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने और बच्चे की तालीम पे 20,000 भी नहीं हुए। तो ये मैनेज होगा हिसाब, आखिर में प्लस माइनस करेगा वो, क्या वो डेबिट क्रेडिट क्या कहते हैं उसको, वो अकाउंटिंग वाले जो करते हैं, वो जब देखेगा तो अंदाज़ा हो जाएगा भाई ये अल्लाह ताला ने कहा है कि पहले तालीम और तरबियत, बुनियादी खुराक पहले, गुटके सिगरेट तंबाकू और एक चीज़ और आ गई है शीशा, ये सब चीज़ें बाद में। तो इसी तरह और बाज़ चीज़ें हलाल होती हैं मगर इतनी अहम नहीं होती। तो ये हिसाब किताब करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको मैनेजमेंट का तरीका आ जाता है, अपने पैसों को जहां ज्यादा इस्तेमाल करना, उसमें आपको ये भी पता चल जाता है भाई सदका तो खैरात पे तो हो ही नहीं रहा, यानी सारा तो खाने पीने में उड़ाया जा रहा है, गरीबों का तो
हिस्सा ही नहीं निकल रहा है इसमें, तो भाई इतना उनके लिए निकालना है, ये इतना इनके लिए निकालूंगा तो ये वाले खर्चे कम करने पड़ेंगे। लामहदूद किसी की भी आमदन नहीं होती, करोड़पति भी होगा तो भी महदूद, लामहदूद सिर्फ हमारे साबिक सदर की थी, उनके अलावा किसी की नहीं होती लामहदूद। इसी तरह कंपनियों में जो पूरा ऑडिट का एक निज़ाम है, हर हर चीज़ को ऑडिट किया जाता है, अकाउंटेंट बिठाए जाते हैं, हिसाबों किताब, ये इसका अल्लाह ने बाकायदा कुरान मजीद में हुक्म दिया है। क्या ईमान वालों, सूरह बकरा में आता है कि जब तुम किसी से कोई मुआहदा करो, पैसों का लेन देन करो, तो उसे लिख लिया करो। सूरह बकरा का आखिरी आखिरी से पहला रुकू, सेकंड लास्ट रुकू जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन फ़क्तुबूहू, जब किसी से भी उधार का मामला करो और खरीदो फरोख का मामला करो, उसे लिखा करो कितने पैसे हैं, किस किस को देने हैं। तो ये लिखना भी जायज़ नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का हुक्म है। इसी वजह से अकाउंटिंग का जो इल्म है, इसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी है। पता है आपको, ये डेबिट क्रेडिट का जो असल असल जो बानी है ना, ये मुसलमान है, क्योंकि कुरान मजीद ने आपस के मामलात में, लेन देन में लिखत पढ़त की बहुत अहमियत बयान की है। ये इसलिए होती है कि आपको, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट कितना है मेरा। अगर लिखेंगे नहीं, मैं एक दफ़ा गुलशन इकबाल में खड़ा हुआ, एक आदमी ने कोई जनरल स्टोर खोल के बैठा हुआ था, किसी को गालियां दे रहा था फोन पे, उसने कहीं कारोबार में पैसे लगाए होंगे, तो उसे कह रहे अबे ओए, गालियां देके कह रहे अबे तू साले प्रॉफिट खाना, तू असल इन्वेस्टमेंट ही खा रहा है, यानी जो लगाया था वो ही खा रहा है, तो ये तो कारोबार हमारा बैठ जाएगा, तू प्रॉफिट खाना बैठ के। इसको ये डर था कि कमबख्त को जो पैसे दिए थे ना मैंने मुलाजिम को बिजनेस के लिए, ये उन्हीं पैसों से अपने दुकान के खर्चे निकाल रहा है, उन्हीं पैसों से खाने पीने और नाश्ते और दोस्तों की दावतें। तो वो कह रहा है भाई कारोबार में जो असल सरमाया है वो महफूज रहे, जो जो उसका आउटपुट होगा वो खाओ। तो आउटपुट और इनपुट का पता कैसे चलेगा, ये ऐसी थोड़ी हवाई हुई, तो लिखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है एक एक चीज़ को कि भाई इतने लगाए थे, इतना सरमाया है, इतने असासे हैं, इतने एसेट्स हैं, और इतनी बचत है, इतनी तनख्वाहों में निकल जाएगा। तो ये इसी तरह जब हम किसी के साथ सरमायाकारी करते हैं, शिरकत के जो अहकाम है शरीयत में कि आप दो आदमी मिल के पैसा आपस में लगाएँ और फिर नफ़े को तकसीम करें, तो ये भी लिखे पढ़े बगैर, हिसाब किए बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि शरीयत कहती है कि नफ़े में परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट तकसीम होना चाहिए। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट है कितना, कारोबार जब शुरू किया था कितना था, अब क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट मुलाजमीन की तनख्वाहें निकाली जाएंगी, उससे पेट्रोल और गैस और ये सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, खाने पीने के खर्चे निकाले जाएंगे। तो ये एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है। हमारे मदारिस में, बाज़ मदरसों में ऐसा होता है कुछ भी नहीं लिखा, चंदा आ रहा है जा रहा है, पता ही नहीं भाई कितना आ रहा है कितना जा रहा है, रसीदों का निज़ाम ही नहीं है। मदरसे में जाके बोलो भाई रसीद दो तो गुस्सा करते हैं, क्या आपको हम पे एतमाद नहीं है। किसी मस्जिद में, बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं, चंदा दो उनसे बोलो भाई रसीद दे दें, क्या मतलब, जब एतमाद नहीं था तो पैसे क्यों दिए, गुस्सा करते हैं। भाई गुस्से करने की बात नहीं है, रसीद दिए तो आपके पास भी तो कोई निज़ाम होना चाहिए ना कि लोगों ने कितना चंदा दिया, किस मद में दिया। जो आदमी जिस मद में चंदा देगा आप वो उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। जब आपके पास रिटर्न में है ही नहीं तो आपको क्या पता चला पंखे के लिए किसने पैसे दिए थे, एयर कंडीशन के लिए किसने पैसे दिए, बोरिंग के लिए कितने पैसे आए थे, वो तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। तो ये हिसाब भी जैसे लिखना ज़रूरी है, ऐसे ही घर को जो मैनेज करने के लिए जो निसाब है कि भाई बच्चों की फीसें कितनी हैं और बेगम के ईद बकरीद पे शॉपिंग और उसके अलावा बर्गर और मैकडोनल्ड और ये अंडे पराठे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए ख़वातीन का, को एक तरफ तो ये फिक्र होती है कि हम मोटे हो रहे हैं, माफ़ फरमाए अल्लाह ताला, ये ज़्यादा इस मौजू पर ज़्यादा बोलना सेहत के लिए नुकसानदेह। तो यानी एक फिक्र तो ये क्या होती है, हर औरत की ख्वाहिश है मैं स्लिम स्मार्ट रहूँ बिल्कुल, लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ सकती, खाओ हिसाब किताब से बिल्कुल खा रही हैं, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की अच्छे की रिपोर्ट रखे। बहरहाल तो अब वो मर्द को चाहिए कि वो अपना ज़रा हिसाब किताब करे, भाई ये इतना है बेगम, इतना खिला सकता हूँ, अगर इससे ज़्यादा खाया बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ेगा, ठीक है, बच्चों को स्कूल से हटा दो फिर मैं तुम्हारी खुराक डबल करवा दूंगा मैं। तो ये दो काम एक वक्त में नहीं हो सकते, मेरी आमदनी इतनी है। तो ये जो लिखना पढ़ना और गिनना है ये इसमें दाखिल नहीं है,
कहीं आप समझें कि यार मैंने अपनी तनख्वाह गिन ली और मैंने अपना हिसाब गिन लिया तो लयुम बदन्ना फिल हुतमा, सही जहन्नम की भट्टी में फेंक के, लिहाजा अब जो आ रहा है आने दो, खर्च हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं है मकरूज हो जाएंगे, खाम खामे मुसीबत में फंस जाएंगे। तो वो गिनना दाखिल नहीं है जो दुनिया की मोहब्बत में ना हो, वो गिनना दाखिल है जो दुनिया की मोहब्बत की वजह से हो। पैसा देखते रहना, लोगों के सामने शो मारते रहना, मेरे इतने पैसे हैं, ये बिल्डिंग भी मेरी है, ये गाड़ी भी मेरी है, ये भी मेरा, ये मोबाइल मेरा जाती है, इतने का ख़रीदा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दाखिल हैं। अल्लती तत्वली वाल अफ़ीदा इन्नहा अलैहिम मुसदा। तो इस सूरत में बुनियादी तौर पर जो बयान किया गया है, दो चीज़ों की मजम्मत बयान की है। एक, लोगों के दरमियान फूट डालना। इस सूरत से पता चलता है कि अल्लाह को ये बात पसंद है कि लोग आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें। अगर किसी में कोई बुराई है, ऐब है, तो दूसरा मुसलमान उसके ऐब को छुपाए, ना आँखों से ताने दे, ना इशारों से उस पर तंज करे, और ना उसकी गैर मौजूदगी में उसका मजाक उड़ाए। कूनु इबादल्लाहि इख्वाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब आपस में भाई बन के रहो मोहब्बत के साथ। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आयना है। बड़ी ज़बरदस्त हदीस है ये। आयना क्या करता है? देखो, आप आयना अपने सामने रखते हो तो आपके ऐप बताता है आपको, लेकिन छेड़ता नहीं है आपको। क्या ख्याल है? मजाक नहीं उड़ाता आपका। नंबर एक, आपको जब आपकी शक्ल दिखाएगा, जब आप उसे अपने सामने रखोगे, खाम खा के आके नहीं तंज करता रहेगा, तेरी नाक पे मक्खी बैठी हुई है, तेरे बाल यूं हो रहे हैं, तेरे फोड़ा निकला हुआ है भाई, खुद से नहीं। जबकि जब आप चाहोगे कि भाई मेरे अंदर क्या ऐप है, तो आप आईना सामने लाते हो, वो आपको बता देते हैं भाई ये ऐप है। तो जो तंज मारने वाले लोग होते हैं, वो उनको ये नहीं सोचते कि इस पे मेरी बात का असर होगा या नहीं होगा, वो जाके खाम खामे नसीहतें करते रहते हैं, तुम्हारे अंदर ये खराबी, तुम्हारे अंदर यूँ खराबी, वो बजाय फ़ायदा होने के अब आईना खुद ही चल के आए, आपको बताए आपके फोड़ा निकला हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद क्या, अब आपकी नाक में मक्खी बैठी हुई है, फिर थोड़ी बात के बाद आईना आके आपको बताए कि आपके यहाँ ख़ारिश हो रही है, तो आप बोलोगे भाई जब हो रही होगी ना, या जब कोई फोड़ा फूंसी होगी, मैं खुद ही, मैं सुबह रोज़ाना ऑफिस जाने से पहले तुझे देख लिया करूँगा, तू मुझे बता दिया कर। हर वक्त आदमी इसमें नहीं लगा रहता कि कहाँ क्या बैठा हुआ है और किधर कौन सा डंट पड़ा हुआ है, हर वक्त अच्छा नहीं लगता ये, बाद लोग हर वक्त नसीहत करते रहते हैं। एक बात तो ये आईना, दूसरी बात आईने की क्या है, आईना उतना ऐप दिखाएगा जितना है, गुलूह नहीं करता। एक फोड़ा है ना आपके मुंह पे, या एक दाग है, तो एक ही दिखाएगा, दो नहीं दिखाएगा। जबकि जो तंज मारने वाले होते हैं, वो आपकी एक बुराई है उसे बढ़ा चढ़ा कर, राई का पहाड़ करके, क्योंकि उनका मकसद ही आपको नीचा दिखाना है। अगर आपने किसी मौके पे किसी मेहमान को खाना नहीं खिलाया, तो वो आपको तंज देगा, यार तुम लोग तो लगता है खानदानी कंजूस हो, अरे बस समझ, तुम लोग लगता है खानदानी कंजूस हो, भाई हमेशा खिलाता है, उस दिन नहीं खिलाया, कोई वजह होगी, देर हो रही होगी, कहीं जाना होगा, तो इतना बता दो कि इतने मोअज्ज़ज़ मेहमान आए थे, उनको चाय पानी का पूछ लेना चाहिए, इससे आपकी इज्जत होगी, इतनी बात तो चलो ठीक है, लेकिन यार तुम लोग तो लगता है खानदानी कंजूस हो। अब वो एकदम तैश में आ गया। तो आईना क्या करता है, जितना ऐब है उतना बताता है। और तीसरी बात, मजाक नहीं उड़ाता। आप देखेंगे ना उसको कि मैं, आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे कहीं कोई जिस्म पे, कोई चेहरे पे मेरे धब्बा तो नहीं लगा हुआ, सो ऑफिस जाने से पहले देख रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कोई नाक लगी हो कहीं, या कोई और कोई निशान मार्कर का पड़ा हुआ हो। तो आईना सिर्फ उतना दिखाएगा, ये नहीं करेगा कि जबान निकाल के अलग अलग हंसना शुरू कर दे, वे ये देख क्या लगा हुआ तेरे, आप खुद ही अपने ऊपर हंसेंगे तो वो हंसेगा, वरना नहीं हंसेगा वो। लेकिन जो तंज मारने वाले होते हैं, वो आपका ऐप बताते भी हैं और फिर हंसते भी हैं, खी करके हंसते हैं, ठीक है ना, बताते देखा ये खानदानी, ये अच्छे खान, ये बता रहे थे एक दिन बयान में, हम लोग अच्छे खानदान से, ये अच्छे हैं, ठीक है ना, तंज मारेगा, ये अच्छे हैं, अच्छे ऐसे होते हैं, ये हैं। तो ये सारे हमारे मुआशरे का ये चीज़ें हिस्सा बन चुकी हैं। तो मुसलह बनना चाहिए, खैरख्वाह बनना चाहिए,
तंज नहीं मारना चाहिए। तो इस सूरत का बुनियादी जो सेंट्रल आइडिया जिसे कहते हैं वो क्या है, दो चीज़ों की बुराई बयान की है। एक, अल्लाह ताला को लोगों में फसाद डालने वाला, मोहब्बतों को तोड़ने वाला पसंद नहीं है। अल्लाह को वो शख्स पसंद है जो दूसरों की इज्जत करना जानता हो, उनकी इज्जतों का मुहाफिज हो, ऐब हो तो उसको छुपाए। और दूसरा, अल्लाह ताला को कंजूस आदमी पसंद नहीं है जिसका ये ख्याल हो कि मैं दुनिया में हमेशा रहूंगा। समझ रहे हैं ना बात को, कंजूस आदमी पसंद नहीं बल्कि अल्लाह को सखी आदमी पसंद है। अल्लाह चाहते माल खर्च करने वाले बनो, गिन गिन के जमा नहीं करो, सांप बन के ना बैठ जाओ उसके ऊपर, अपनी ज़ात पे भी खर्च करो, दूसरों पे भी खर्च करो। क्यों, या सबू अन्ना माल हो अखलदा, ये ना समझो कि ये माल हमेशा रहेगा। और दो बातें हो गई। तीसरी बात, अल्लाह ने इन दोनों बुराइयों की वजह बयान कर दी। देखो, किसी को बुखार हो तो स्पेशलिस्ट क्या करेगा, वो बता देगा आपको बुखार क्यों है, किस वजह से है, सही है ना, फिर वो उस बीमारी का इलाज करेगा। और जो स्पेशलिस्ट नहीं, वो आपको सारी ज़िंदगी पेनाडोल ही खिलाता रहेगा। बुखार उतारने की फिक्र करेगा, जिस वजह से बुखार है उसकी फिक्र नहीं करेगा। तो अल्लाह ने इन दो बुराइयों की वजह क्या बयान की, यह सबू अन्ना मालहू अखलदा, कि इस शख्स का ये गुमान है कि दुनिया में हमेशा रहेगा। हालांकि किसी का भी गुमान नहीं होता दुनिया में हमेशा रहना। मतलब क्या है, मौत का यकीन तो है मगर मौत का इस्तेहजार नहीं है, भूल गया है मौत को। तो पता ये चला कि मौत को भूल जाना ये इन दोनों बुराइयों की जड़ है। जो आदमी मौत को सामने नहीं रखता और ये उसके दिमाग में ये बात है कि जैसा मैं अभी जवान हूँ हमेशा रहूँगा, मैं बूढ़ा नहीं हूँगा, मैं मरूँगा नहीं, और दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता, ट्रेन या बस का सफ़र नहीं समझता, तो वो आदमी ये नीच हरकतों पे आ जाता है। क्योंकि वो इज़्ज़त भी हासिल करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत भी। और जो समझता है कि भाई मुसाफिर खाना है, बस में सीट मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो खड़े होकर सफ़र कर लो, ट्रेन में सीट मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो खड़े होकर सफर कर लो, कहीं बैठ के इधर उधर सफर कर लो, आगे जाके मंजिल पे उतर जाना है, तो वो आदमी कम पे राजी हो जाता है। कह रहे कोई बात नहीं, खर्च कर दो, पैसे कम हो गए तो क्या हो गए, मरे थोड़ी जा रहे हैं कोई, वैसे भी आगे जाके कब्रिस्तान है, जाना तो वहीं है। और अगर वो ये देखता है दूसरे की इज्जत ज्यादा हो रही है तो ये उसको जलील करने की कोशिश नहीं करेगा, उसकी बुराई नहीं करेगा, वो कहेगा होने तो भाई थोड़ी इज्जत ज्यादा हो जाती है, किसी की ज्यादा इज्जत होती है दुनिया में, किसी की कम होती है, उसकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जाएगा वो भी खबर में और कल मैं भी खबर में चला जाऊंगा। तो ज़्यादा होके भी जाना भी, उसने मोहम्मद शाह के कब्रिस्तान में और मेरी कम होगी तो मैं भी मोहम्मद शाह के कब्रिस्तान में, उसका हलका ज़्यादा वसी है, मेरे दर्स में लोग कम बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, उनके ज़्यादा बैठ जाएंगे तो जाएंगे वो कहाँ कब्र में, ना उनके दर्स में लोग आएंगे ना मेरे दर्स में लोग आएंगे, क्या ख्याल है भाई, कब्र में तो सिर्फ अल्लाह होगा और आप होगे और कुछ भी नहीं होगा। तो ये दुनिया को छोड़ना है तो अभी छोड़ दो तो अच्छा नहीं है क्या? तो ये अल्लाह ने बताया, यह सबू, इसका जो गुमान है ना, गुमान ये जो दिमाग में खन्नास है कि ये दुनिया मुसाफिर खाना नहीं है, ये खन्नास इन दोनों बुराइयों की जड़ है। तो दो बुराइयां बयान की हैं जिनसे अल्लाह को नफरत है, और यानी सूरत का खुलासा क्या हुआ, दो बड़ी बुराइयां बयान की गई, उन बुराइयों की वजह बयान की गई, रीजन, और उन बुराइयों पर आखिरत में क्या सजा मिलेगी वो सजा बयान की गई। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की और इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा